हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे प्याज का समोसा। ईरानी समोसा भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा, आधा कप गेहूं का आटा और 1 चम्मच नमक और 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल, कौन सा भी तेल आप यूज़ कर सकते हैं। और तेल इसलिए डाला जाता है कि एक क्रिस्पी अच्छे समोसे बने। और इसको अच्छे से मिला लीजिए, बहुत अच्छा से मिलाना है। फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको आटा गूंद लेंगे, आटा सख्त लगा लेंगे और ये आटे को 15 से 20 मिनट तक ढककर रख देंगे। तब तक करते हैं फिलिंग की तैयारी। एक बाउल लिया है, उसमें डाल दिया है कैबेज बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च और 2 से 3 प्याज बारीक बारीक कट कर लेना है। और इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, अब नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी आधी चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच और थोड़ा गरम मसाला भी डाल देंगे 1 चम्मच और हरा धनिया जिसे मैं धोकर ले रही हूँ वो भी इसमें डाल देंगे, बहुत सारा सा डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर रख देंगे फिलिंग के लिए। और ये फिलिंग भरने के बाद समोसे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको इसमें क्या है। अब इसको मॉइस्चर छोड़ता है ना ऑनियन और कैबेज, इसलिए इसमें पोहा डालेंगे। अब लोई लेंगे, इसको थोड़ा छोटा छोटा बेलेंगे और इसको थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। तेल थोड़ा ज़्यादा लगाना है ताकि शेप्स अच्छे बने। और इस पर मैदा छिड़कना है, ज़्यादा सा आटा नहीं छिड़कना, ओनली मैदा छिड़कना। अब दूसरी लोई बनाकर इस पर रखकर अब इसको पतला सा बेलेंगे, बहुत पतला बेलना है ताकि शीट्स अच्छे हो सके। अब तवा गरम हो चुका था, मैंने डाल दिया है। अब इसको सेपरेट करने के लिए थोड़ा पकाना है, देखिए पक चुके हैं। अब इसको सेपरेट कर दोनों तरफ सेकना है थोड़ा थोड़ा। अब शीट्स के लिए ऐसे चपाती रेडी होना है, हो चुके हैं। अब इसको करते हैं हम यहाँ से साइड से कट, और साइड से कट कर इसको शीट्स बना लेंगे। और वो साइड से कट करे वाले वो आप तल के खा सकते हो सॉस के साथ। देखिए शीट्स तैयार हो रहे हैं, कितने अच्छे सॉस शीट्स तैयार हुए हैं। ऐसे ही एक ही बार सब शीट्स तैयार करके रखेंगे। अब इसको समोसा का देंगे शेप, देखिए ट्राइंगल शेप में आना है, ये ज़रूरी है। ये देखना कितना अच्छा आ चुका है ट्राइंगल शेप में, ऐसे ही आप भी करें, बहुत परफेक्ट समोसे बनेंगे। अब इसमें करते हैं फिलिंग। यही स्टेप्स आप फॉलो कीजिए, आपके समोसे बहुत परफेक्ट बनेंगे। और इजी प्रोसेस बता रही हूँ मैं। देखिए भर चुका है फिलिंग, अब इसको करते हैं, इसको अच्छे से पलट कर फिर इसको सील कर देंगे। और सील करने के लिए यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मैदा और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पेस्ट बना लिया है। अब इसको चिपका देंगे ताकि ये तेल में डालते समय अच्छे से फ्राई हो जाए, सील हो जाए। अब ऐसे समोसे हम सारे तैयार करके रख लेंगे। रेडी हो चुके हैं समोसे, अब तलने के लिए रेडी। गरम तेल करना है और गरम तेल करने के बाद और मीडियम लो फ्लेम पर इसको तलना है। तलते समय मीडियम लो फ्लेम ही होना चाहिए ताकि गोल्डन ब्राउन हो जाए, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, बहुत क्रंची लगेंगे समोसे। ऐसे ही तलना है। देखिए कितने अच्छे समोसे रेडी हो चुके हैं, ईरानी समोसे रेडी है। अब इसको करते हैं एक ट्विस्ट। यह है धनिया पाउडर और नमक, दोनों समान क्वांटिटी लिया है मैंने। और इस पर स्प्रिंकल करके खाने के लिए, और उसे बहुत इवनिंग
बहुत अच्छी टेस्टी स्नैक इवनिंग खा सकते हो आप। ज़रूर बना के देखिए, ऐसे ही सिंपल से मैं टेस्टी रेसिपीज लेकर आऊँगी। थैंक यू।